जैसे ही लोकसभा चुनाव की टिकटें फाइनल हुई हैं, एक दूसरे के ऊपर पार्टियों के दांव चलने शुरू हो गए हैं। वहीं बसपा ने भी घेरते हुए मोदी सरकार को कहा कि किसान विरोधी व धन्ना सेठ समर्थक बीजेपी सरकार गलत दावे ना करे। बीएसपी ने पूछा कि बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने गन्ना किसानों के मुद्दे पर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार गन्ना किसानों के भुगतान का गलत दावा ना करे। उन्होंने सवाल किया कि अगर यूपी में गन्ना किसानों का 10,000 करोड़ रुपए बकाया है तो किसान कैसे खुश होंगे। मिल मालिकों पर सख्ती कर बीजेपी किसानों की सभी बकाया क्यों नहीं अदा करवा रही है। कहां गया वो चौकीदार जो कहता था कि मैं देश का चौकीदार हूं? क्यों उनको किसानों का दर्द समझ में नहीं आ रहा है। यूपी में गन्ना किसानों का 10,000 करोड़ रुपए बकाया है तो किसान कैसे खुश व खुशहाल होंगे। ये सोचने समझने की बात है। किसान विरोधी व धरना सेठ समर्थक बीजेपी सरकार गलत दावे न करे। बीएसपी सरकार की तरफ से मिल मालिकों की सख्ती करके बीजेपी किसानों को सभी बकाया क्यों नहीं अदा करवा रही। ये कहना है बहन कुमारी मायावती का। उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि वह बीजेपी ने 5 साल के शासन में कुछ भी नहीं करा है, अब अलग अलग दावे पेश करके गुमराह कर रही है जनता को। चाहे वो मोदी हो चाहे योगी हो, दोनों को ही घेरते हुए बहन कुमारी मायावती ने कहा कि बीजेपी को जनता पहचान गई है, उनके चेहरे से नकाब हट गया है, अब देश की जनता त्रस्त हो गई है और वो बदलाव चाहती है। ये थी एसएम न्यूज की रिपोर्ट। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों पर नजर बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।